कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद किशन कपूर ने धर्मशाला में कहा कि देश में शनिवार को भाजपा के सदस्यता अभियान का शुभारंभ हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया है। वहीं देश भर में मंत्रियों और विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों में इस अभियान का आगाज किया है। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और पार्टी ने अधिक से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य भी रखा है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद किशन कपूर ने धर्मशाला में कहा कि देश में शनिवार को भाजपा के सदस्यता अभियान का शुभारंभ हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। वहीं देश भर में मंत्रियों और विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में अभियान को आगाज किया है। भाजपा विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। पार्टी ने अधिक से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य भी रखा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नारा है हमारा। पार्टी के प्रति सभी का विश्वास बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि जो टारगेट सभी को मिला है उससे अधिक सदस्य इस बार बनाए जाएंगे। हमारे पदाधिकारियों ने अधिक से अधिक सदस्य बनाने का संकल्प भी लिया है। कपूर ने कहा कि कांग्रेस ने जो किया उन्होंने उसे भुगता है। भाजपा ने 303 सीटें जीती हैं। ये लोकतंत्र में पहली बार हुआ है। कपूर ने कहा कि जब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी उस समय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, उसके बाद चुनाव में कांग्रेस का ग्राफ कहाँ आ गया। वर्ष 2014 में जो भाजपा को सीटें मिली थी उससे ज्यादा सीटें इस बार मिली हैं। देश की जनता का विश्वास प्रधानमंत्री और भाजपा के प्रति बड़ा है। उन्होंने कहा कि बजट में जो आज तक नहीं हुआ वो वर्तमान बजट में पेश किया गया है। भाजपा का बजट भविष्य का बजट है, नए भारत का बजट है। समाज के हर वर्ग के लिए इस बजट में कुछ न कुछ अवश्य है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म दिवस, पूरे देश में सदस्यता अभियान आज से शुरू हुआ है और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, वाराणसी में अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर सदस्यता अभियान का आज उन्होंने शुभारंभ किया है। सभी केंद्रीय मंत्री और सांसद अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में जाकर आज पार्टी के सदस्यता अभियान का शुभारंभ सभी ने किया है। हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, देखिए जो बड़ा हुआ वो आपको दिखाई दे दिया जा रहा है। जो भविष्य का बजट बना है, जो गरीबों के लिए जो आज तक नहीं हुआ वो करके इस बजट में वो बातें आई हैं और ये भविष्य का बजट है, नए हिमाचल नए भारत का बजट है, आम आदमी के लिए बजट है, ये नौजवानों का बजट है, ये गरीबों के लिए है, ये महिलाओं के लिए है, समाज के हर वर्ग के लिए इस बजट में कुछ न कुछ जो है वो किया गया। किशन कपूर ने कहा कि जिन लोगों ने नोटा का बटन इस्तेमाल किया था वो ना यहाँ के रहे ना वहाँ के, उनको क्या लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा कि नोटा दबाने वाले को अपना वोट किसी न किसी को अवश्य देना चाहिए था। जिन्होंने नोटा दबाया है इसलिए उनका मानना है कि उन्होंने अपने साथ और अपने क्षेत्र के साथ अन्याय किया है। कांग्रेस अपने अतीत को देखे, जो वो करते रहे और उन्होंने जो किया उसका फल भी उन्होंने भुगत लिया। भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें जीती हैं, ये भारतीय लोकतंत्र में पहली बार हुआ है। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी और उसके बाद चुनाव आए तो कांग्रेस का ग्राफ कहाँ आ गया था। 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली थी उससे ज़्यादा सीटें इस बार जीती गई हैं। देश की जनता का विश्वास, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति बड़ा है। जो पिछले 5 वर्षों में बजट आए और हर वर्ग का ध्यान रखा, आगे भविष्य में भी वो करने जा रही है हमारी सरकार, जो आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ होगा। हर वर्ग का ध्यान रख रही है सरकार और हर वर्ग के लिए राहत देने का प्रयास नहीं, उसके लिए कार्य शुरू कर दिया हमारी सरकार ने।
देखिए, जिन लोगों ने नोटा की बात कही वो ना यहाँ के ना वहाँ के, उनको क्या लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है? किसी को भी अपना मत देते, देना चाहिए, नहीं दिया, इसलिए मैंने कहा है कि नोटा दबाया तो उन्होंने अपने साथ भी अन्याय किया और अपने क्षेत्र के साथ भी अन्याय है और लोकतंत्र के साथ भी धोखा है, उन्होंने ये किया। देखिए, मैंने कई बार आपको बोल दिया, समस्याओं का कोई अंत नहीं, विकास की कोई सीमा नहीं, हमने पहले भी किया, आगे भी करेंगे और पूरी सरकार हमारी कर रही है। देश के प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि भारत को नया भारत बनाएंगे, भारत को विश्व का सर्वोपरि देश बनाएंगे, इस संकल्प के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। उसमें कांगड़ा चंबा का क्षेत्र भी उसी में आता है, वो कांग्रेस का आंतरिक मामला है, वो उनको करना है, वो बुजुर्ग लाएं या इससे आगे जाना चाहते तो वो उनकी इच्छा, उस पर तो मुझे कुछ नहीं कहना।